फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड. तो नंबर ऑफ सी कार्बन, जितने भी कार्बन हैं उनको आप पहले काउंट करोगे. तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड. एंड इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लुक फॉर द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. एंड इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड ईदर एज प्रीफिक्स और सफिक्स. मतलब अगर आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर सबसे पहले मैंने आपको एक चेन दी है तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ सी एटम्स, चाहे इसके साथ एच लगा हुआ है चाहे एन लगा हुआ है, यू विल फाइंड ऑल द एच सी एटम्स फर्स्ट. सपोज 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 कार्बन. देन यू विल लुक फॉर एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. तो एल्डिहाइड, देन वी विल लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप. अब मैंने सी एच ओ लगा दिया, सी ओ लगा दिया, सी एच थ्री कुछ भी लगा दिया, अगर मैंने सी एल लगा दिया, एनी फंक्शनल ग्रुप. सपोज 6 कार्बन के साथ एंड में सी एल था तो वी लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप. एंड में यहाँ पे ये सी एच ओ था, यहाँ पे सी एल. तो सेकेंड रूल था वी लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप. पहला रूल क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो थर्ड रूल में if the number name of the functional group is to be given as suffix, the name of carbon chain is modified by deleting e. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसको दिया 6 कार्बन है तो इसका नाम था हेक्सेन, और अगर मैंने इसमें क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन के लिए इसके प्रीफिक्स में ऐड होगा क्लोरीन, विच इज क्लोरोहेक्सेन. प्रीफिक्स में अगर आएगा तो इट इज क्लोरोहेक्सेन. Then there is no need to remove this E. But अगर मैंने एल्डिहाइड लगाना है तो एल्डिहाइड में हेक्सेन के पीछे E रिमूव करके हमें लगाना पड़ेगा अल. The name of the carbon chain is modified by deleting final E and adding the appropriate suffix. I'm repeating, Karman, you have joined just now. We are doing this nomenclature part. तो कर्मन, अगर आपको याद हो हमने नॉमेनक्लेचर मींस गिविंग नेम टू द कार्बन एटम्स, नॉमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड इट इज डन विद द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. सबसे पहला रूल जो है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इट इज रिटन ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड. तो जितने भी सी लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दूसरा, इफ देर इज एनी फंक्शनल ग्रुप. अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी जिसके अंदर एक में ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सी ओ एच, इट इज कॉल्ड सी एच ओ, और दूसरे में लगा दिया सी एल. वी लुक फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इट मे बी इन द एंड, इट मे बी इन द मिडल, और इट मे बी इन द स्टार्टिंग. एनी वेयर दे कैन हैव फंक्शनल ग्रुप. तो पहला रूल अगर सबको समझ आ गया है, सबसे पहले आपने जितने भी कार्बन है उनको फाइंड करना है, नंबर देखना है उनका. दूसरा, इफ देर इज एनी फंक्शनल ग्रुप यू लुक फॉर इट. फंक्शनल ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ लगा दिया था क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए नाम इसका आ जाएगा हेक्सेन. कार्बन के लिए 1 2 6, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और उसके आगे लगा दिया क्लोरीन, क्लोरोहेक्सेन. दूसरा जो है केस जिसमें थर्ड रूल में आता है, इफ देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज इन द एंड, तो इसमें सी एच ओ एल्डिहाइड. This is also in the end, but yeah, आप चेन यहीं से स्टार्ट कर लोगे. Even in this case, the number of carbon atom जो इसमें numbering करेंगे, that will be from this part only. ये first carbon है, ये भी first carbon है. जहाँ पे functional group होता है, वहीं से numbering शुरू करनी चाहिए, so that it is to be given the lowest number. Lowest number should be given to the functional group. तो chlorohexane तो समझ आ गया होगा सबको. अब मैंने chain के साथ aldehyde लगाना था, तो e remove करना है हेक्सेन का और अल लगाना है. तो इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सुफिक्स, सुफिक्स मींस बाहर पीछे, प्रीफिक्स में आगे, आगे वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा. सुफिक्स में ई रिमूव करना पड़ता है. इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सुफिक्स, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग ई एंड एडिंग प्रॉपर सफिक्स, तो इसका नाम आ गया हेक्सेनल. लास्ट रूल आता है, इफ देयर इज एनी
अनसेचुरेशन, इफ देयर द चेन हैज अनसेचुरेटेड कार्बन एटम. अनसेचुरेटेड का मतलब आपको पता चल रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट मींस एन और आयन. एक्सक्यूज मी यस मैम, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट बताया बेटे मैंने, हेक्सेन में ई रिमूव करके सुफिक्स में उसका ई हटा के अल लगा दिया हेक्सेनॉन. ओके. और फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ कि अगर देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देन दिस एन पूरा का पूरा एन ही रिमूव करके एन या फिर आइन लगा दिया जाता है. इफ द कार्बन इज अनसैचुरेटेड, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, देन द फाइनल एन इज रिमूव्ड बाय ईदर एन और आइन. कितने बच्चों को ये चार रूल्स क्लियर हो गए? क्योंकि कई बार सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, give the rules for nomenclature of carbon atom. So these are the rules. Only Bhumi has raised her hand. What about others? Okay, Ashish, very good. Ma'am, can you please explain them again? Yes, yes, Kanak, I'll do it again for you. इसमें देखो बेटे सिंपल था. सबसे पहले है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो इसमें कनक देखो सबसे सिंपलेस्ट होता है चेन, देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन. सपोज आई एम मेकिंग दिस एज स्ट्रेट चेन, तो इसमें तो हमें कार्बन आप काउंट करोगे कनक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसका सीधा नाम मैंने लिख दिया हेप्टेन. किसी को मुश्किल नहीं आनी चाहिए. अगर ये चार होते तो ब्यूटेन, पांच होते पेंटेन, फिर हेक्सेन और हेप्टेन. अब अगर ये चेन आ रही है ऐसे, तो अब क्या होगा कि आप या तो चेन, यू हैव टू लुक फॉर द लॉन्गेस्ट चेन. अब कनक अगर आप देखोगे दिस चेन, इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप इसको ऐसे चेन को काउंट करोगे देन इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब अगर मैंने इसको ऐसे कर लिया, मैंने ये साइड से जो है इसको रिमूव कर दिया, साइड वाले कार्बन को छोड़ के ऐसे नोट डाउन किया है, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और ये जो दो कार्बन है वो, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, इस यू को अगर आप स्ट्रेट कर दोगे, तो स्ट्रेट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 और 6 पोजीशन पे कार्बन आ. कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? विल लुक फॉर दी लॉन्गेस्ट चेन. ओके लावण्या, गुरविंदर, भूमि, मुस्कान, कनक, ओके, आशीष, यस, दमन, आयुष, कहाँ हो बेटे आप लोग आज? करण, करमन, पावनी, रिया, वरुण, नवरीत, आई एम वेटिंग बेटे, रेज योर हैंड एवरीवन. ओके वरुण, ओके आशीष, यस, आयुष, दमन, दमन, बेटे रेज योर हैंड. ओके करमन, करण, शाबाश, आयुष, पावनी, रिया, नवरीत, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी थी, तो लॉन्गेस्ट चेन को आप नाम दे दोगे नोनेन. तो पहला रूल यही था, लुक फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दूसरा रूल जो आपको बताया उसमें आपने देखा, इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप इन द चेन, तो सपोज फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर COOH, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम एज प्रीफिक्स और सुफिक्स. तो अब पहले, सबसे पहले कार्बन एटम्स को कनक आपने काउंट किए 3, 4, 5. तो 5 कार्बन है और 5 कार्बन में अगर आपने लिखा नाम पेंटेन, देन वी लुक फॉर दी फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है COOH, विच इज ओइक एसिड. तो ई हटा के सुफिक्स का ओइक एसिड लग जाएगा, इसका नाम आ जाएगा पेंटेनोइक एसिड.
पहला रूल था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दिशा बहुत ध्यान से सुनना बेटे, यू हैव जॉइंड इन लेट. वी आर डूइंग नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, दिशा बेटे ध्यान से सुनना, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. पावनी बेटे अनम्यूट योरसेल्फ. पावनी धीर, पावनी आर यू देयर इन द क्लास बेटे? पावनी आई एम वेटिंग फॉर यू बेटे. अजय माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस ओके ओके. यस दमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, स्पीक आउट समथिंग. इज इट क्लियर दमनप्रीत? दमनप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ. पावनी अनम्यूट योरसेल्फ. एनी ऑफ यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. ओके दमन, गॉट इट. तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है, यू लुक फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम. सी जितने भी हैं कार्बन, जितने भी जहां भी लिखे हैं, यू लुक फॉर इट. बट इट शुड बी इन स्ट्रेट चेन. अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने ये चेन बताई थी आप लोगों को कि एक चेन है, आपने ये चेन देखी थी अभी. अब ऐसा नहीं है कि आप सारे कार्बन काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 है तो आप 11 के 11 का नाम दे दोगे. नो इट इज नॉट लाइक दिस. यू लुक फॉर दी लॉन्गेस्ट चेन. और अभी दिशा आपने लेट ज्वाइन इन किया, मैंने इनको बताया कि रीजन ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि जब इसको स्ट्रेट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 कार्बन सीधे हो जाएंगे. और जो ये साइड चेन्स हैं ये अलग अलग जाएंगे, फोर्थ और सिक्स कार्बन पे, फोर्थ और सिक्स. तो ये ऐसे बन जाएगी चेन. तो वी लुक फॉर दी लॉन्गेस्ट चेन. तो इसका नाम आ जाएगा नॉनेन, नॉन मेन नाइन, नॉनेन. तो दूसरा रूल था कि वी लुक फॉर दी फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है COOH व्हिच इज ओइक एसिड. तो पेंटेन का ई हटा के हमने थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली लिख दिया ओइक एसिड. ई शुड बी रिमूव्ड. इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, द नेम ऑफ कार्बन चेन is modified by deleting this E and by adding appropriate suffix. This is how we name them. Propanoic acid, E hata ke propanoic acid ya pentanoic acid lag jayega. Aur last rule aap logon ko bataya tha, if there is any double or triple bond, unsaturation hai, double ya triple bond hai, to AN pura ka pura hatega aur uski jagah lag jayega AN ya fir IN. Jaise डबल हेक्सेन, हेक्सेन में एन हट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड था तो हेक्सेन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेक्सेन. क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ वी गो विद द नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर. नाउ देयर आर फंक्शनल ग्रुप्स. तो अभी आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट इन व्हाइल नेमिंग क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वजह से नेमिंग बदल जाती है. तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है हेलोजन. हेलोजन में हेलो मींस सॉल्ट, जन मींस फॉर्मिंग हेलोजन. तो इसमें आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग. फिर इसके अंदर आता है दूसरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल. अल्कोहल के लिए आएगा OH. इसके अंदर इनके नाम के लिए भी देखते हैं, इट कैन बी प्रीफिक्स और सुफिक्स. प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगेगा, सुफिक्स जो नाम के पीछे लगेगा ई हटा के. तो इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं, पी लिखूंगे मैं प्रीफिक्स के लिए. इट कैन बी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. नाम के आगे लगा देना है क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो पेंटेन. इसके अंदर लगेगा सुफिक्स. सुफिक्स में मतलब नाम ई हटा के ओएल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल. थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या ग्रुप होता है? CHO. और CHO जो है इसका भी सफिक्स लगेगा अल. ई हटा के क्या लग जाएगा? अल. नेक्स्ट आता है कीटोन.
कीटोन में आता है इसका फंक्शनल ग्रुप ओ, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए और इसके अंदर जो है सफिक्स लगेगा ओन, ई हटा के हेक्सेन का पीछे लगा देंगे हेक्सेनोन। और आप लोगों को याद रखना है कि सिंपलेस्ट कीटोन जो है दैट इज प्रोपेनोन, क्योंकि आसपास कार्बन होने चाहिए इसके, मिनिमम तीन कार्बन चाहिए इसको बनाने के लिए, तो तीन कार्बन के लिए आता है प्रोपेन, प्रोपो प्रोप, तो इसका नाम आ गया प्रोपेनोन। ओके, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है COOH, और इसके अंदर भी सुफिक्स लगेगा ओइक एसिड। फिर आपको बताया था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और किसके बीच में होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये बात याद रखो, इट शुड बी ईदर बिटवीन डबल कार्बन कार्बन, इट शुड नेवर बी बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ही होता है, इट शुड बी बिटवीन कार्बन कार्बन, दो कार्बन के बीच में यह डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसमें भी फिर से लगेगा सुफिक्स इन फॉर डबल बॉन्ड, सुफिक्स आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है फंक्शनल ग्रुप के बारे में? देन वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज आइसोमर्स। प्लीज रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टिल नाउ। मुस्कान, वरुण, करण, गुरविंदर, भूमि, शाबाश, कनक, वेरी गुड। कनक आई मिस यू टू, यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू कम। दिशा, दमन, आयुष, करमन, लवण्या, पावनी, रिया, नवरीत, आई एम वेटिंग। लवण्या बेटे रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। आयुष, करमन, ओके लवण्या, वेरी गुड। दमन, ओके। आयुष, करमन, वेरी गुड आयुष, करमन, पावनी, ओके यस यस करमन, पावनी, रिया, नवरीत, ओके वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो देर आर डिफरेंट आइसोमर्स, लेट अस से आइसोमर्स हमेशा शुरू करेंगे हम ब्यूटेन के साथ। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, दे हैव सेम फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बी C4H10 फॉर ऑल द ब्यूटेन, बट देयर स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। तो लेट्स सी हाउ देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इनमें चार पहले कार्बन आप सीधे लगाओगे, एक में चार आप कार्बन, तीन कार्बन सीधे और बाकी हाइड्रोजन। नाउ यू विल बैलेंस विद द हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर, एक आएगा नॉर्मल ब्यूटेन, एक आएगा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट आता है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। पहले मैंने क्या किया, कार्बन पांच सीधे लगा दिए, 1 2 3 4 5। दूसरे में कार्बन चार सीधे और एक साइड पे आ गया, फिफ्थ में आसपास दो कार्बन्स हैं, बीच में तीन, सॉरी लास्ट वाले में, तो तीन आइसोमर्स हैं और बाकी आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे। हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए आसपास लाइंस हैं, दिल ऑल हैव द सेम फॉर्मूला C5H12। काउंट करो हाइड्रोजन, क्या दोनों में 12 है? Excuse me, ma'am. Yes, Ashish. Ma'am, can you repeat this topic? हाँ हाँ बेटे, I'll do that. I know there's some network issue at your end. बच्चे isomers हमने, yes, Ashish, बेटे isomers start किया. Isomers का topic था, they have same formula but different structure.
तो पहले मैंने आपको डायग्राम बनाया ब्यूटेन का. ब्यूटेन में फॉर्मूला इज सेम, C4H10. तो मैंने पहले चार कार्बन सीधे लगाए हैं रेड में, आप देख सकते हो रेड जो मार्कर से रेड से लिखा हुआ है, चार कार्बन सीधे हैं. दूसरे में तीन कार्बन सीधे और एक साइड पे, तो एक आ गया नॉर्मल ब्यूटेन, एक आ गया आइसो ब्यूटेन. फिर हमने देखा पेंटेन के आइसोमर्स. अब पेंटेन का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. तीनों का फॉर्मूला एक ही होगा C5H12. फॉर्मूला विल बी सेम C5H12, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो पहले वाले में मैंने क्या किया, ऑल दिस कार्बन इन द स्ट्रेट लाइंस 1 2 3 4 5, लुक हियर ऑल दी 1 2 3 4 5. दूसरे में चार एक साथ हैं, एक साइड पे आ गए. पांचवे में तीन है सेंटर में लगे हुए, आसपास दो हो गए. दिस इज दी थर्ड आइसोमर. इन तीनों के अगर हम नाम की बात करें तो दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन, एंड दिस इज अ स्पेशल, दिस हैज अ स्पेशल नेम नियोपेंटेन. नियोपेंटेन में तीन स्ट्रेट लाइन में आसपास दो कार्बन है. आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन, स्मॉल एंड पेंटेन. With this, we are done with the chapter. अब I am going to give you very important questions, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं apart from NCERT, तो write down few questions. And I think सबको आते भी होंगे. बच्चे आप लोग बहुत बच चुके हो, क्योंकि इसमें major part तो आप लोगों का delete हो गया. जो major part था soaps and detergent का structure, उनका cleansing action. Please write down the question. ये question 100% पूछा जाता है. Draw the structure of draw the SH structure of sulfur. SH structure of sulfur. Please draw this. Try to draw this diagram. क्लास ये देखो आपको डायग्राम्स है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ये आपको कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, PUCKERED. पकड़ रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको मैंने शायद बताया था एक रिंग आती है जैसे वो क्राउन होता है, क्राउन जैसे, या फिर कई बार देखी होंगी आपने मेटालिक रिंग्स की उंगली आस पास ऐसे दांतों वाली रिंग. दिस हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज
कर्ड रिंग स्ट्रक्चर, तो इसको बनाने का इजी वे में बताया, पहले मैंने W बनाया फिर नीचे W बनाया, बच्चे की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते, तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को इजी कर दिया है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पहले W बनाओ फिर W बनाओ। कितने स्टूडेंट्स ने डायग्राम बना लिया पकड़? ओके वेरी गुड, वरुण, भूमि, आयुष, मुस्कान, आशीष, कुरविंदर, बी क्विक इन रेजिंग योर हैंड बेटे, क्रिया, लवण्या, करमन, ओके, ये दिशा, दमन, बेटे आई एम वेटिंग, ओके दिशा, वेरी गुड, बी क्विक, मेरे पास पता 10 काम होते हैं फिर भी सो क्विक, आप लोगों को पता भी नहीं चलता इतने सारे काम भूमि, इज इट फाइन नाउ? यस मैम। ओके बेटे, प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉन और ब्रोमोपेंटेन। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो पहला अगर मैंने आपको बताया इथेनोइक, जिसको नहीं हो स्क्रीन पे, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, ओइक एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दोगे। This is ethanoic acid. दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पूछा है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4। फोर ओन में बीच में किसी भी सेकेंड या थर्ड, ये सपोज फर्स्ट है ये सेकेंड है या थर्ड, सेकेंड या थर्ड में से किसी में भी एक में लगा दो डबल बॉन्ड हो, बाकी जगह आप लगाओगे हाइड्रोजन। तो बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए नंबरिंग दी थी, बाकी आप ड्रॉ करोगे। मैम, इन दिस सेकंड डायग्राम ऑन द सेकंड कार्बन हाइड्रोजन विल नॉट बी देयर बिकॉज़ 4। यस ऑलरेडी कंप्लीट है, यू आर राइट भूमि, थैंक यू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर था ब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन लगा दिया सीधा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन और एंड में लगा दिया ब्रोमो, एंड में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी ब्रोमीन लगा दो, फर्स्ट या लास्ट में एक ही बात है, तो मैंने फर्स्ट पे लगा दिए, बाकी सारी जगह हाइड्रोजन आ गए। लास्ट स्ट्रक्चर था इसमें हेक्सेनल, तो हेक्सेन मुझे पता है 6 कार्बन है, अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। हेक्सेन, प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर सो दैट we can move to the next page. I'm moving to the next page. Write down next question. Draw the electron dot structure of सबसे पहले बनाओगे ethanoic acid. दूसरा आपने बनाना है H2S.
तीसरा बनाना है प्रोपिनोन एंड लास्ट इज F2S। अब इसको बनाने का तरीका सुनो, बहुत इजी वे में। देखो इथेनोइक एसिड मुझे पता था, दो कार्बन है इथेन, एथ मीन्स टू कार्बन, इथेन का मतलब सभी को पता होना चाहिए, मीथेन आता तो वन कार्बन, इथेन है तो पेंटेन है तो फाइव, तो मैंने इथेन बना दिया, ओइक एसिड बना दिया, फिर एच लगा दिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट हुआ ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब है जहां ये लाइन है वहां पे दो डॉट्स, ये लाइन के एंड में ये डॉट्स, बस लाइन जहां लाइन है वहां डॉट्स पे लगा दो आसपास, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको सर्कल करना है तो सर्कल बड़े ध्यान से करना है, कार्बन ये कार्बन के आसपास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो मैंने सारे एट के एट इसके सर्कल में कर लिए। हाइड्रोजन के पास दो दो होने चाहिए तो ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं। कार्बन के आसपास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो मैंने सारे एट के एट इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सर्कल में कर लिए। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी छह थे, इसने बाकी दो इससे एक्सट्रैक्ट किए हैं तो एट हो गए। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, दिस इज हाउ वी मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले लाइन बना दो आसपास डॉट बना दो, खत्म। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फास्ट। ओएच को भी मैं इलेबोरेट कर सकते हैं, आई एक्सप्लेन दिस हाउ। ऑक्सीजन के आसपास होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो दो इसने यहाँ से ले लिए, ये हो गया ऑक्सीजन के पास एट, डॉट लगाने थे मैंने, डॉट लगाने। दो इसने हाइड्रोजन से शेयर किए हुए, बस OH भी हो गया। अब मुझे बनाना था H2S। H2S बनाने के लिए S के बाहर होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन, डॉट से बना दो क्रॉस से बना दो एक ही बात है। देखो मैंने क्या किया, दो ऊपर इलेक्ट्रॉन, दो बीच में और दो एक एक आसपास, और एक तरफ हाइड्रोजन ये वाला है, एक तरफ हाइड्रोजन ये वाला है। हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस हाइड्रोजन के पास पूरे हैं, इस हाइड्रोजन के पास पूरे हैं। सल्फर को पूरे करने के लिए इसके आसपास एट इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर सर्कल कर दिया, बन गया H2S का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉन, ये एफ टू, सॉरी इट इज नॉट एफ टू एस, इट इज एफ टू, सॉरी एफ टू एस नहीं, एफ टू के लिए बनाना है तो एफ के आसपास होते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दूसरे एफ के पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया एट बन गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया एट बन गए, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। लास्ट है गया प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का सबसे इजी है, देखो कैसे बना लिया सभी ने, यस ओके सभी का हो गया आई थिंक क्लियर। करण बेटे बना लिया डायग्राम, तो प्रोपेनोन में देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे है। प्रोपेन में तीन कार्बन आने चाहिए थे,
ऑन मतलब कीटोन ग्रुप, वो बीच वाले कार्बन में, कीटोन का जब मैंने आपको बताया था मिनिमम 3 कार्बन चाहिए और बीच वाले कार्बन में ऑक्सीजन लगता है, बाकी आसपास लगा दो हाइड्रोजन, और जहां लाइन है वहां दो इलेक्ट्रॉन है हर एज पे, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, जो एंड है लाइन का दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के दो दो पूरे कर लो बस, चले हाइड्रोजन डन। अब बीच वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करो, कार्बन के पास 8 डन, इस कार्बन के पास ये नहीं आएगा हाइड्रोजन, बीच वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 8, तो 8 हो गए, साइड वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, डन, बस बन गया ये डायग्राम। ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, सिक्स होते हैं, ये भी ऑक्सीजन के थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, दो उसने शेयर कर ली, तो ये आ गया प्रोपेनॉन। कितने बच्चों को ये प्रोपेनॉन क्लियर हो गया? जिसको नहीं हुआ अनम्यूट योरसेल्फ, जिसको ये डायग्राम नहीं क्लियर हुआ प्लीज आस्क मी। मैम आई हैव अ डाउट, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, अच्छा मैंने कीटोन का स्ट्रक्चर आपको बताया, 3 कार्बन थे प्रोपेन के और ओन लगा दिया आपने, है ना? अब आसपास हर yes, कार्बन के आगे हर कार्बन को बैलेंस कर दो। ओके ओके मैम, बस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ ऑलरेडी कार्बन के पास 4 है, अब जो लाइन है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, जहां लाइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, बस दो दो इलेक्ट्रॉन, जहां लाइन है एंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो एजेस पे। अब सबसे पहला मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को सर्कल कर लिया, जितने भी हाइड्रोजन है उनके 2 इलेक्ट्रॉन उसको पूरे दे दिए, सारे हाइड्रोजन को पूरा कर दिया ये। अब फिर दूसरा मैंने काम क्या किया, कार्बन को पकड़ा, कार्बन को देखा, कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट फिर क्या किया, ऑक्सीजन बचा हुआ था, ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसके, 2 ये हैं, 4 और 5 है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है इसके, इसने 2 शेयर कर लिए, 8 बन गया, बस क्लियर? यस यस मैम क्लियर। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप बना के देखोगे तो आप लोगों को इजी रहेगा, तो नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन मतलब क्या हुआ, एनीवन हु विल टेल मी व्हाट इज एल्काइन, एनी ऑफ यू, एल्काइन का मतलब क्या होता है, अनम्यूट योरसेल्फ, बताओ मुझे एल्काइन का मतलब क्या होता है, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन, बेटे ये बताया मैंने आपको, आइन मतलब क्या होता है कार्बन कार्बन, लुक ऑन योर स्क्रीन एंड टेल मी, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यस दैट्स इट, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब 2 कार्बन चाहिए, तो क्वेश्चन आता है नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, तो एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो आप जरा इसको अगर हाइड करोगे इस कार्बन को, तो इसके आसपास 4 बॉन्ड्स हो गए, फिर आपने इसका कार्बन लगाया, इसको हाइड किया, इसको अगर आपने हाइड किया ये, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर एल्काइन। सिंपलेस्ट एल्काइन इज इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन 2 कार्बन तो चाहिए,
कार्बन कार्बन मैंने अगर बोला दो कार्बन तो मिनिमम कौन से कितने कार्बन चाहिए, दो तो इथाइन। अगर पूछा गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इजी है। पूछा गया था क्वेश्चन सुनो, नेम द सिंपलेस्ट एल्काइन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो जहां लाइन है उसके एंड पे डॉट्स। कार्बन को देखते हैं, हर कार्बन के पास ये सिक्स है, 6 और 2 8, ये कार्बन पूरा हो गया, इधर भी 6 और 2 8 कार्बन पूरा हो गया, बस ये बन स्ट्रक्चर। नाउ प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, आप सिर्फ नाम बताओगे इनके। एवरी वन प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक, आई लास्ट टर्न वाइज, ब्रेक की टर्न आएगी। राइट द नेम्स ऑफ दिस दीज टू कंपाउंड्स एंड टेल मी द आंसर, जिसका सबसे पहले हो गया बता दो मुझे। इस वरुण लवन ने आयुष आप तीनों के हाथ रेज, एनी वन ऑफ यू टेल मी द आंसर। अच्छा फर्स्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एट 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, सुफिक्स में ई हटा के क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। कितने बच्चों को समझ आ गया, सिंपल नाम था, 5 कार्बन चेन चेक किया, फंक्शनल ग्रुप नाम चेक किया बस। नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3 4, 4 में मतलब ब्यूटेन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो एन हटा के क्या लग जाएगा, ब्यूटाइन। कितने बच्चों को ये दोनों आते थे, प्लीज रेज योर हैंड, किसको समझ आ गया था। ओके मेनी हैज रेज देयर हैंड, लेट्स सी इफ यू कैन डू ट्राई दिस नेक्स्ट वन, नेम दिस कंपाउंड क्विक, विल टेल मी द आंसर। Will tell me the answer for this one. These two. Yes, speak out. Any one of you just speak out. The one who knows the answer, just speak out. Ma'am, first one is pentanol. Pentanol. Yes. Pentane means 5 carbon or all isliye because OH group hai. Bilkul theek hai. Next. Heptanol. Hepta means 7 and al means aldehyde. That's it. This simple sa aapke paas structure tha. Now write down the question. How can you differentiate between ethane and ethene, एक saturated है एक unsaturated, differentiate करना है आपने। How can you differentiate between ethane and ethene? Ethane के bracket में लिख लो saturated, ethene के bracket में लिख लो unsaturated।
difference between saturated and unsaturated. लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव क्लियर फ्लेम टेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव क्लियर फ्लेम फ्लेम जब आग जलती है तो फ्लेम जो निकलती है क्लियर फ्लेम टेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव क्लियर फ्लेम टेस्ट व्हाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव येलो फ्लेम विद